हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनादर वीडियो लेक्चर ऑफ लेक्चर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल एक्चुअली दिस मॉडल इज ऑल्सो एन इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन मॉडल और उसका सिंपल सा रीजन है इस मॉडल में क्या होगा इस मॉडल के अंदर बेसिकली हम बैटल को मॉडल कर रहे हैं तो बैटल्स में क्या होता है बेसिकली दो ग्रुप के लोग होते हैं लेट से जीवन एंड जी टू वट दे विल डू दे विल फाइट विद रीच अदर तो इसका मतलब क्या होगा इसकी जो पॉपुलेशन है वो इसकी पॉपुलेशन के साथ इंट्रैक्ट करेगी एंड देयर विल भी रिडक्शन इन पॉपुलेशन कुछ लोग बैटल के अंदर मर जाएंगे तो यह भी एक तरीके का इंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन मॉडल हुआ बैटल्स की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ह्यूमनस ही आते हैं बेसिकली ह्यूमन आर्मीज बट देयर कैन बी बैटल बिटवीन होस्टाइल इंसेक्ट ग्रुप ऑल्सो और उसके लिए भी मॉडल बनाया जा सकता है बट हेयर वी विल बी रेस्ट्रिक्टिंग अवर स्टडी टू ह्यूमन आर्मीज ओनली देखिए फ्रेंड्स एशियंट टाइम में बहुत ज्यादा बैटल हुआ करती थी और अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो बैटल्स कैसे शुरू हुई होंगी ये आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले जब कोई हथियार नहीं हुआ करता था या कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो सबसे पहले जो बैटल हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं तो वो हैंड टू हैंड बैटल हुई होगी सो आई कैन से इन टाइम्स वी वर हैविंग हैंड टू हैंड बैटल्स और आई कैन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट उसके बाद विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड मैनी आर्सनल्स और उसी में से एक था आर्चरी तो कुछ टाइम बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्चरी हुआ और इसमें हम वो और एरो का इस्तेमाल करने लगे बैटल्स के अंदर आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे पहले स्वॉर्ड का इस्तेमाल हुआ स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ वो सब चीजें कवर होते होते देन वी मूव टू आर्चरी देन उसके बाद जब और डेवलपमेंट हुई देन डिप्लॉयमेंट ऑफ गन पाउडर बेसिकली गन्स का डिप्लॉयमेंट होना शुरू हुआ तो आज जो हम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे वो हम ऐसी बैटल का मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर गन्स का इस्तेमाल हो रहा है सो वी विल सी विल टॉक अबाउट दिस गन्स बट अवर लिमिटेशन ऑफ स्टडी विल बी दिस ओनली इसके आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं और वो मॉडल करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा तो बेसिकली अभी हम गन्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इस मॉडल को हम बनाने की कोशिश करते हैं देखिए मॉडल बनाने के यहाँ पर बेनिफिट्स या मैं बोलूँ नीड क्या है बेसिकली अगर इस टाइप का कोई मॉडल हो हमारे पास जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी आर्मी कितने लंबे समय तक सर्वाइव करेगी तो ये बहुत काम की चीज है एक्चुअली जो पुरानी बैटल्स हुआ करती थी वो काफी लंबे समय तक चलती थी क्योंकि ये मैनुअल बैटल्स हुआ करती थी देयर वॉज नो यूज ऑफ मिसाइल्स सो हैंड टू हैंड बैटल हो गई या आर्करी और गन्स की बैटल हो गई तो ये काफी लंबे टाइम तक चल जाया करती थी और इसके अंदर अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुआ करते थे किसी बैटल को जीतने के लिए एक तो था कि आपकी आर्मी बहुत बड़ी होनी चाहिए यानी कि जो एनिमी है उससे ज़्यादा बड़ी आपके पास अपनी आर्मी होनी चाहिए तो इसको मैं बोल सकता हूं न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी यानी कि जितने भी लोग हैं आपके वो ज्यादा हैं फाइट करने वाले दूसरा उनकी स्किल सेट क्या है उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है तो आई कैन से मिलिट्री ट्रेनिंग तो पुराने जमाने में ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती थी पहली बात तो आपके पास लोग ज्यादा हों जो लड़ सकें और उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली हो सामने वाले के कंपैरिजन में तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये मॉडल जो है ये एफ डब्लू लेंचेस्टर ने नाइनटीन ट्वेंटी में डेवलप किया था दिस वॉज डेवलप्ड बाई एफ डब्लू लेंचेस्टर इनटीन ट्वेंटी जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर हमारा एम क्या होगा अवर एम इज टू डेवलप अल मॉडल टू प्रोडिक्ट सोल्जर्स इन ईच आर्मी एट गिवन टाइम यानी किसी भी टाइम पे आप नंबर ऑफ सोल्जर्स बता सके ऑफ कोर्स आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं एफिशिएंसी कितनी है ये सब चीजें हम पता होगी तब ये निकाल पाएंगे तो चलिए बात करते हैं मॉडल की एजम्पन्स की क्योंकि बिना एजम्पन्स के हम किसी मॉडल को तैयार नहीं कर सकते तो बेसिक एजम्स हम यहां पर क्या क्या लेंगे लेट सी दैट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मॉडल एजम्पन्स तो पहली एजम्पन हमारी बहुत ही सिंपल सी एजम्पन है जो हमने बार बार यूज की है चाहे वो पॉपुलेशन मॉडल की बात करें या फिर आप एपिडेमिक मॉडल की बात करें तो ये एजम्सन हम हर जगह यूज करते आए हैं दैट इज नेगलेक्टिंग रैंडम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स तो यहां पर हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है हमारे इतने ज्यादा हैं द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर सफिशेंटली लार्ज सो दैट वी कैन नेगलेक्ट रैंडम डिफरेंसिस बिटवीन दैम तो so सोल्जर्स के बीच में हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे वी विल ट्रीट दैम इक्वली सेकेंड एक्जम्पन है हमारी कि फाइट के बीच में कोई भी री नहीं होगा और कोई भी ऑपरेशनल लॉस नहीं होगा यानी कि आप आर्मी को ना तो बढ़ाएंगे और ना ही कोई डिजीज की वजह से कोई लॉस हो रहा है ना ही कोई आर्मी को छोड़ के जा रहा है ये सब चीजें हम मान के चलेंगे सो so, जितने भी लोग आर्मी से कम होंगे वो केवल एनिमी आर्मी के मारने की वजह से कम होंगे सो देयर आर नो री एनफोर्समेंट एंड नो वी कैन रिलैक्स दिस एजम्पन टू इंप्रूव अवर मॉडल तो ये काम किया जा सकता है बट अभी हम ये एजम्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक जनरल कंपार्टमेंटल मॉडल बनाते हैं देन वी विल टॉक फर्दर तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं ग्रुप वन को मैं रेड आर्मी बोल देता हूं और ग्रुप टू को ब्लू आर्मी बेसिकली जो दो अपोजिट ग्रुप है उनको मैंने रेड आर्मी और ब्लू आर्मी सपोज कर लिया है तो अब मुझे क्या करना है इनके कंपार्टमेंट बनाने होंगे लेट से दिस इज माई रेड आर्मी और इसको मैं आर टी से दिखा रहा हूँ दिस इज माई ब्लू आर्मी इसको मैं बी टी से दिखा रहा हूं तो इन कंपार्टमेंट में क्या होगा इनपुट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि तो ये एजम्शन के हिसाब से कोई री है नहीं तो देर विल बी आउटपुट ओनली और आउटपुट भी किसकी वजह से होगा दैट विल बी ड्यू टू डेथ्स तो यहां पर कुछ डेथ्स होंगी सेम थिंग यहां पर भी कुछ डेथ्स होंगी तो इन डेथ का अगर कारण पूछूं तो क्या होगा रेड आर्मी के जो लोग हैं वो ब्लू आर्मी की जैसे मरेंगे सो देर विल बी सम कनेक्शन बिटवीन देम और ब्लू आर्मी के जो लोग हैं वो रेड आर्मी की वजह से मरेंगे सो इट इज समथिंग लाइक दिस सो अगर मैं वर्ड इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेड सोल्जर्स इज इक्वल टू माइनस क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है रेट रेड सोल्जर्स वाउंडेड बाय ब्लू आर्मी अब वाउंडेड बोलिए या किल्ड बोलिए एक ही बात है तो बेसिकली ब्लू आर्मी की वजह से कितने लोग मरे उसका क्या रेट है वो ही यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेड सोल्जर बताएगा सेम थिंग हो जाएगी ब्लू आर्मी के केस में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लू आर्मी इज इक्वल टू माइनस रेट ब्लू सोल्जर्स वाउंडेड बाय रेड आर्मी सो दिस इज अवर सिंपल वर्ड इक्वेशन अब देखिए मैंने जो बात की थी वो बात की थी एक ऐसे मॉडल की जिसके अंदर हम गन्स का यूज करेंगे तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ गन्स की और यहां पर हम दो टाइप के शॉट्स देखेंगे पहला होगा एम्ड फायर का यानी कि जो भी सोल्जर है उसे अपना एनिमी सोल्जर सामने दिखाई दे रहा है और तब वो उस पर फायरिंग कर रहा है तो टारगेट इज विजिबल आई कैन से दैट विजिबल टारगेट दूसरा होगा रेंडम फायर का रेंडम फायर में क्या होता है हमारे को टारगेट जो है वो विजिबल नहीं होता आई कैन से दैट टारगेट इज नॉट विजिबल तो आपको वो सामने बंदा नहीं दिख रहा जिसको गोली मारनी है बट यू हैव इंफॉर्मेशन कि वहाँ पर लोग होंगे उस एरिया में तो हम रेंडमली फायर करते हैं ये सोच के कि वहाँ पर कुछ एनिमीज हैं और उनको हम मार देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि उस एरिया में एनिमीज हैं तो उस एरिया में रेंडमली फायर स्टार्ट कर दी जाती है तो जनरली जो बैटल्स होती हैं उनमें रेंडम फायर का यूज काफी होता है बट फॉर द टाइम बींग हम एम्ड फायर का मॉडल बनाएंगे देन वी विल इंप्रूव इट टू रेंडम फायर मॉडल तो देखिए फ्रेंड्स एम्ड फायर के मॉडल के अंदर मुझे टारगेट विजिबल है सो लेट से ब्लू आर्मी के लोग रेड आर्मी पर फायर कर रहे हैं और इनको टारगेट्स विजिबल हैं तो अगर मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ सोल्जर्स ऑफ रेड आर्मी इसकी बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करेगा कितनी इनके ऊपर फायरिंग हो रही है और कितनी फायरिंग होगी दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ब्लू सोल्जर्स क्योंकि यहां पर हम सिंपल गन्स की बात कर रहे हैं कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे तो जितने ज्यादा ब्लू सोल्जर्स होंगे उतनी तेजी से रेड सोल्जर कम होते चले जाएंगे सो आई कैन से दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ सोल्जर्स ऑफ रेड आर्मी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ ब्लू सोल्जर्स फायरिंग एट दम कितने ब्लू सोल्जर्स उनके ऊपर फायर कर रहे हैं केवल उसी पे डिपेंड करेगा एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ रेड सोल्जर्स रेड सोल्जर्स कितने हैं उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं तो बेसिकली जो रेट ऑफ लॉस है रेड सोल्जर्स का वो कितनी फायरिंग उन पे हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है और वो फायरिंग जो है वो नंबर ऑफ ब्लू सोल्जर्स पे डिपेंड कर रही है सो so, इससे अगर मैं इंटरप्रेट करूं सो आई कैन से द रेट ऑफ सोल्जर्स वाउंडेड इज प्रपोर्शनल टू एनिमी सोल्जर्स ओनली तो रेड और ब्लू की बात ना करूं तो बेसिकली मैं जनरलाइज एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि सामने कितने सोल्जर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मेरी आर्मी के कितने सोल्जर मरेंगे बट रेंडम फायर में ऐसा नहीं है देखिए सामने मान लो लाखों सोल्जर हैं और उन्हें पता लगा कि इस एरिया में कुछ रेड आर्मी के सोल्जर्स हैं और यहाँ पर ब्लू आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स हैं और इन्होंने यहाँ पर रेंडम फायर शुरू कर दिया बट लेटर ऑन इट वॉड डिस्कवर्ड कि जो रेड आर्मी के सोल्जर थे वो यहां से पहले ही चले गए थे तो कितने लोग मरेंगे यहां पर एक भी नहीं मरेगा क्योंकि कोई था ही नहीं बट एम्ड फायर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि टारगेट जो है वो विजिबल है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो अगर आप इसको देखें तो यहां पर क्या अंतर आ रहा है यहां पर टारगेट विजिबल ना होने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज है रेड आर्मी के सोल्जर्स का वो यहां के लोगों पर भी डिपेंड करेगा यहां पर कितने लोग मौजूद हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो बेसिकली जो रेट ऑफ लॉस ऑफ सोल्जर्स है रेड आर्मी का वो प्रोपोर्शनल होगा बोथ द नंबर ऑफ फायरिंग एंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स बींग ऊपर फायरिंग हो रही है वो यहां पर कितने हैं और कितने लोग इन पर फायरिंग कर रहे हैं सो so, दोनों चीजें यहां पर फैक्टर इन करनी होंगी सो आई कैन से दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ सोल्जर्स ऑफ रेड आर्मी डिपेंड्स और प्रोपोर्शनल टू बोथ द नंबर ऑफ ब्रू सोल्जर्स फायरिंग एंड द नंबर ऑफ रेड मैं इसको एक सिंपल स्टेटमेंट बोलना चाहूं तो आई कैन से रेट ऑफ सोल्जर्सोशनल टू बोथ नंबर ऑफ सोल्जर्स यानी दोनों आर्मी के नंबर ऑफ सोल्जर्स पे ये डिपेंड करेगा तो चलिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं एम्ड फायर के केस में जैसा कि मैंने लिखा था पहले आर टी क्या है मेरे नंबर ऑफ सोल्जर्स इन रेड आर्मी और बी टी क्या है नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ब्लू आर्मी अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ सोल्जर्स ऑफ रेड आर्मी डी आर बाई डी टी ये मेरा क्या हो जाएगा कि कितने ब्लू सोल्जर्स रेड आर्मी के ऊपर फायर कर रहे हैं सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फायर्स और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को ए वन बोलता हूं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए वन बी टी कितने ब्लू आर्मी में सोल्जर्स हैं हम ये मान के चल रहे हैं वो सभी फायर कर रहे हैं तो उनपे डिपेंडेंसी आ गई और माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो रेड आर्मी के सोल्जर्स हैं वो डिक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ डेथ्स ऐसे ही मैं यहां पर डी बी बाई डी टी निकाल सकता हूं भाई जो काम ब्लू आर्मी कर रही है वही रेड आर्मी भी कर रही होगी वो भी फायरिंग कर रही है सो so, ये क्या हो जाएगा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए टू आर टी वेयर दिस ए वन एंड ए टू आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इनको हम इस तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये दोनों आर्मी की इफेक्टिवनेस बताते हैं मतलब कितने इफेक्टिव है वो दूसरे आर्मी के पर्सन को किल करने में so I can say that a1 and a2 are effectiveness of blue and red army respectively we can say that a1 and a2 are effectiveness of blue and red army respectively a1 को देखिए blue से associate करना है और a2 को red से उल्टा मत कर लीजिएगा और इनको हम बोलते हैं attrition coefficients and are called as एट्रीशियन कोफिशियंट सो फ्रेंड्स दिस इज अवर मॉडल, ये एक बेसिक मॉडल बनाया है हमने एम्ड फायर के केस में और यहां पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन और कपल्ड सिस्टम है तो आई कैन सेनियर डिफ्रेंशियल इक्वेश तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके पार्ट टू में हम बात करेंगे इस मॉडल की एप्लीकेशन की एंड देन वी विल रिफाइन दिस मॉडल और हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे विद रैंडम फायर रैंडम फायर में कैसे चेंज होगा मॉडल वो देखेंगे तो एक बेसिक मॉडल हमने बना लिया है होपफुल आपको समझ में आया होगा कि बैटल मॉडल को कैसे डील किया जाता है और यहां पर हमने गन्स का केस लिया है आप कोई और केस लेके भी मॉडल को बना सकते हैं विद सुटेबल एजम्पन्स यू कैन ऑलवेज क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग